नमस्कार। देश के कोने कोने की खबरें पहुंचाने आप तक हाजिर है देश तक। मैं हूं श्वेता सिंह। मूसलाधार बारिश का मध्यकाल खत्म होने को है, लेकिन दहशत बाकी है। उत्तराखंड के कोने कोने से कुदरत के कहर की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कहीं पहाड़ों के दरकते सीने से मौत की आहट सुनाई दे रही है, कहीं नदियों की गर्जना डरा रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे में मूसलाधार बरसात की आशंका जताई है। खूबसूरती के लिए मशहूर पहाड़ों की रानी इन दिनों कहर ढा रही है। मूसलाधार बारिश से कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही दिख रही हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जरा ये हाल देख लीजिए। इन तीन तस्वीरों में ही कुदरत के खतरे का अंदाजा हो जाएगा। जो सड़कें एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं, वहां पानी का बसेरा है। जहां कारें सरपट दौड़ती थीं, वहां पानी की धार तेज हो गई है। दूसरी तस्वीर बता रही है कि चक्राता कलसी रास्ते पर जब पहाड़ों से मलबा गिरा तो कैसे दूर खड़ा कारवाला बेबसी में टुक टुक देखता रह गया। वहीं देहरादून में 6 दिनों की मूसलाधार बारिश से इमारतें जमींदोज हो गईं। चट्टान सी खड़ी इमारत की ईंट ईंट बिखर गई। गनीमत रही कि मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। देहरादून से 45 किलोमीटर दूर सोंग नदी विकराल हो गई है। इस नदी की वजह से गौरी माफी गांव में 300 परिवार फंस गए। टिहरी में भी हाल जुदा नहीं है। लैंडस्लाइड की चपेट में कार आ गई। कार सवार 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन मलबे के ढेर में कार गुम हो गई। बाबा भोले की नगरी ऋषिकेश में बहने वाली गंगा समेत सोंग बीन नदी उफान पर है। ऋषिकेश में दूसरी नदियों की गर्जना रिहायशी इलाकों में भी सुनाई और दिखाई दे रही है। रामनगर में कोसी नदी भी गरज रही है। लगातार बारिश से गांव वाले दहशत में हैं। लेकिन ये जोखिम इस शख्स के लिए जानलेवा हो जाता अगर समय रहते रेस्क्यू नहीं किया गया होता। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल में मूसलाधार बारिश की आशंका है। रामनगर से लीला सिंह बिष्ट के साथ देहरादून से दिलीप सिंह राठौर, आज तक ब्यूरो। जिन पहाड़ों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है, वो आज डरा रहे हैं। जिन नदियों की कलकल धारा दिल में संगीत पैदा करती है, वो हजारों लोगों को पलायन करने को मजबूर कर रही हैं। यूपी में एक तरफ मूसलाधार बरसात, दूसरी तरफ नदियों का खौफ। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक मानसून के कहर का जरा हाल देखिए। आसमान से आफत की मूसलाधार बारिश हुई तो पहाड़ों ने मलबा उगलना शुरू कर दिया। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड काल बनकर आया। डलहौजी से जालंधर जा रही बस रास्ते में ही फिसल गई और खाई में जा गिरी। एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 घायल हो गए। कुदरत के गुस्से का शिकार यूपी भी हो रहा है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ बाढ़ ने कई परिवारों के चिराग बुझा डाले। यूपी के मैनपुरी में बारिश की वजह से मकान की नींव हिली और फिर भर भरा कर मिट्टी में मिल गया, जिसमें 2 बच्चों के साथ 2 मवेशियों की भी जान चली गई। वहीं सीतापुर में कांवड़िया की मौत नदी में डूबने की वजह से हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गोंडा में घाघरा नदी तो अतिक्रमण करके घर में भी घुस आई है। बाढ़ का पानी ऐसा कि दलान से लेकर मकान तक सब जगह कब्जा कर रहा है। कुछ ऐसे ही हालात फर्रुखाबाद के भी हैं, जहां रामगंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से लोग पलायन को मजबूर हैं। इंसान ही नहीं, जानवर भी बाढ़ से बेहाल हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा में वन्य जीवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा तो हिरन जंगल से ही भाग निकले, लेकिन कुत्तों ने जख्मी कर दिया। वन विभाग ने रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। पटियन गांव में घुसाया था, जिसे कुत्तों ने नोच दिया था। तत्काल WTI के डॉक्टरों को बुला करके इसका उचित इलाज करा के रेस्क्यू करके दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में भारी बारिश की आशंका है। तो साफ है कि आधा हिंदुस्तान कुदरत के रडार पर है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज तक ब्यूरो। बात अब मुजफ्फरपुर कांड की करते हैं, जिससे जुड़े उन सभी दहकते सवालों पर नीतीश कुमार चुप्पी साध गए जिसके जवाब लोग सुनना चाहते थे। नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया कि आखिर जिस मंत्री के पति की वजह से बिहार शर्मसार हुआ उसे कब चलता करेंगे। ये धरना देख रहे थे आप, बताइए वो धरना सिर्फ एक चीज के लिए है कि देश की राजनीति से भ्रष्टाचार कोई मुद्दा न रहे। लगाव की बात कर रहे हो, चिंता है, तो ऐसे चिंता में कोई हंसते हुए बैठता है। सवाल पर सवाल आए तो थे सवाल का जवाब देने, लेकिन पूछने लगे खुद सवाल। मुजफ्फरपुर कांड पर सुशासन बाबू की इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरे चमकने लगे तो नीतीश कुमार भी मीडिया की भूमिका में आ गए। जिन सवालों पर जवाब देना था उसके भूत भविष्य पर तो खूब बोले, विरोधियों पर जमकर तीर छोड़े, लेकिन जिस मंत्री के पति ब्रजेश ठाकुर की वजह से बिहार शर्मसार हुआ उसके बचाव में उतर आए। प्रश्न यह है कि किसी को अकारण जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता जब तक कि कोई बात नहीं आ जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर 34 लड़कियों के साथ जो हुआ उससे बिहार शर्मसार है, नीतीश कुमार का सिर झुक गया, पापियों को बख्शने के मूड में नहीं है सुशासन बाबू, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के लिए नीतीश बाबू ढाल बन गए हैं। क्यों नहीं सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार मंजू वर्मा का इस्तीफा ले लेते। आखिर क्यों जेडीयू बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार 4 महीने तक लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वालों को बचाती रही। सीबीआई से पहले ही मामले को सेट कर दिया गया, बलात्कार की जो मेन गवाह थी उसको मधुबनी रखा गया और वो मधुबनी से एक मिनट मधुबनी से गायब है, वहाँ की एनजीओ एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेसी ही नहीं अब तक सहयोगियों ने भी सवाल दाग दिए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर और गोपाल नारायण सिंह ने मंजू वर्मा का इस्तीफा मांग दिया है, लेकिन डिप्टी सीएम इस पर लीपापोती कर रहे हैं। ये जो जांच चल रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है और इसलिए जो हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का जो बयान आया है वो पार्टी उस बयान से सहमत नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बेटियों के साथ इस दरिंदगी के मामले में नीतीश कुमार अब तक प्रमाण नहीं मिलने की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन सच तो ये है उन्हें इस बात का डर सता रहा है अगर मंजू वर्मा से इस्तीफा लिया तो उनसे कुशवाहा वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में मंजू वर्मा इकलौती मंत्री हैं जो कुशवाहा समुदाय से आती हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घृणित और शर्मसार कर देने वाली घटना तो बताया, लेकिन बिहार की छवि को धक्का पहुंचाने वाली इस घटना के लिए जिम्मेदार किसी को नहीं बताया, न तो मंत्री को और न ही किसी बड़े अधिकारी को। उन्होंने खुद कहा कि सिस्टम में कमी की वजह से इस तरह की घटना हुई, तो आखिर सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। लेकिन कम से कम बोलना तो शुरू किया बिहार के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर। बहरहाल बिहार के मुजफ्फरपुर कांड का शोर अभी थमा नहीं कि यूपी के देवरिया में भी बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आया। बालिका गृह से बाहर निकली एक बच्ची ने पुलिस के सामने ऐसा बयान दिया कि यूपी में हड़कंप मच गया। हालांकि कदम उठाए गए, बालिका गृह की संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया और देवरिया के डीएम को फौरन हटा दिया गया। एक दीदी है, उन्हें बड़ी मैम रात को कहीं भेजती थी, कभी लाल गाड़ी तो कभी काली गाड़ी आती थी उनको ले जाने। जब दीदी सुबह में आती थी तो सिर्फ रोती थी, कुछ पूछने पर बताती नहीं थी। पुलिस के सामने दिया गया ये बयान मुजफ्फरपुर कांड की किसी पीड़िता का नहीं है, न ही बयान देने वाली बच्ची बिहार की रहने वाली है। ये बयान बिहार से सटे यूपी के देवरिया का है, जहां बालिका गृह से निकलकर पुलिस के पास पहुंची बच्ची के बयान से
हड़कंप मच गया। मेरी बाहर जाती थी भाई, बड़ी मैम ले जाती थी, नहीं जाने कहती थी, नकाब बांध के जैसे ले जाया जाता है, और सफेद कार आती है, एक खाली काली से आई थी, एक खाली लाल से आई थी। वो सुबह कैसे आती थी, सुबह क्या करती थी तुमसे? सुबह कुछ नहीं कहती थी, रोती थी, उनका फूल जाता था, कूदते थे तो कुछ नहीं बताती थी। बच्ची के दिए गए बयान के बाद मुजफ्फरपुर कांड से सबक लेते हुए योगी की पुलिस ने कार्रवाई में देर नहीं की। आनन फानन में देवरिया के स्टेशन रोड पर बने मां विंध्यवासिनी बालिका गृह पर पुलिस पहुंची और 24 लड़कियों को मुक्त करा लिया। पुलिस ने संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, उसके पति और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। जब तक हमें इसके पूरे रजिस्टर्स नहीं मिल जाते हैं और बच्चों से पूछताछ करने के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से पता किया जा सकेगा। अभी मैं खुद जा रहा हूं, अभी बच्चों से हम लोग इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से बता पाना संभव हो पाएगा। देवरिया में डीएम बालिका गृह की पड़ताल कर रहे थे और लखनऊ में उन पर गाज गिराने की तैयारी हो रही थी। मुजफ्फरपुर कांड के शोर से जागी योगी सरकार ने पहले डीएम की छुट्टी की और फिर 12 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। तत्काल वहां के जिलाधिकारी को जो है वो हटा दिया गया है और जांच के लिए 12 घंटे दिए हैं सभी जिलाधिकारियों को कि 12 घंटे के अंदर वो अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें सारे सर्वे करके। हैरानी तो ये है कि विंध्यवासिनी बालिका गृह के खिलाफ अनियमितता के आरोप की सीबीआई जांच कर रही है। सरकारी अनुदान भी बंद है लेकिन विंध्यवासिनी बालिका गृह प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजफ्फरपुर से 236 किलोमीटर दूर यूपी के देवरिया में भी मुजफ्फरपुर जैसा कांड हुआ? क्या देवरिया में भी बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ यौन शोषण होता रहा? रोती बिलखती बच्ची के बयान के बाद पुलिस और सरकार भी मान रही है कि महिला प्रशिक्षण और समाज सेवा के नाम पर वहां कुछ गड़बड़ होता रहा। संस्था की मान्यता भी रद्द कर दी गई थी, कुछ बच्चों को भी हटाया गया, लेकिन फिर भी बालिका गृह कैसे चल रहा था, किसकी इजाजत से चल रहा था, ये कोई नहीं जानता। सरकार भी नहीं, पुलिस भी नहीं, प्रशासन भी नहीं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। एक के बाद एक ऐसे मामलों के साथ तो पूरे देश में जांच की जरूरत है, कड़ाई की जरूरत है। दिल्ली पर आतंकी पंजा यानी राजधानी में 5 आतंकियों की घुसपैठ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से हथियारों की एक खेप मिली है। आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली में घुसे 5 फिदायीन आतंकी। जम्मू से 10 ग्रेनेड के साथ आतंकी गिरफ्तार। एक बार फिर राजधानी दिल्ली आतंकियों के टारगेट पर है। आतंकी खून खराबा करने पर आमादा हैं। एक नहीं 5-5 आतंकियों की टोली दिल्ली में कहीं छिपी हुई है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सभी आतंकी फिदायीन हमलावर हैं और वो बड़ा नुकसान करने की साजिश रच रहे हैं। यानी 15 अगस्त को जब देश आजादी का जश्न मना रहा होगा तो आतंकी बड़े हमले की ताक में होंगे। अलर्ट को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। खुफिया अलर्ट में ये आशंका भी जताई गई है कि ये आतंकी पुलिस को चकमा देने के लिए हिंदू या सिखों की धार्मिक वेशभूषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, बस स्टैंड, स्टेशन, धार्मिक स्थल और मॉल हो सकते हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जम्मू से मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 हथगोले के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जम्मू और नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दौरान इन हथगोलों का इस्तेमाल करने की साजिश रची गई थी। तो बॉडी सर्च में उसे एक बैग मिला है जिसमें से 8 ग्रेनेड जो है वो मिले। दिल्ली पुलिस की एक टीम इस आतंकी से पूछताछ करने के लिए जम्मू रवाना हो रही है। आज सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। हर हर महादेव की गूंज मंदिरों में सुनाई देते रहे। जलाभिषेक के साथ शिव भक्ति बेलपत्र और पुष्प अर्पित करते रहे। 5 शहरों की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम।
उज्जैन में महाकाल के दरबार में भक्तों का जमावड़ा रहा। हरिद्वार, देवघर, वाराणसी और मुंबई के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते रहे। देश तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन भारत से जुड़ी कोई भी खबर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube पर भारत तक को। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।